डीवीसी मैथन बना रंग क्षेत्र, सीआईएसएफ और प्रदर्शनकारियों में झड़प, 6 घायल। धनबाद, डीवीसी मैथन 25 जनवरी को उस वक्त रंग क्षेत्र में तब्दील हो गया जब अतिक्रमण हटाओ अभियान का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारी दुकानदारों और सीआईएसएफ जवानों में झड़प हुई। झड़प के बाद प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया। जवाबी कार्रवाई करते हुए सीआईएसएफ जवानों ने लाठीचार्ज किया जिससे 6 प्रदर्शनकारी घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए डीवीसी के बीपी नियोगी अस्पताल में भर्ती कराया गया। लाठीचार्ज होने पर स्थिति तनावपूर्ण हो गई। इस दौरान कई कारों में तोड़फोड़ की गई। बता दें कि प्रदर्शनकारी डीवीसी मैथन प्रबंधन के अतिक्रमण हटाओ अभियान का विरोध मैथन प्रशासनिक भवन के सामने करने जुटे थे। मौके पर मौजूद धनबाद निरसा विधानसभा के पूर्व विधायक अरूप चटर्जी ने कहा कि डीवीसी गरीब दुकानदारों को उजाड़ना चाहती है। सीआईएसएफ जवानों ने लाठीचार्ज कर बर्बरता का परिचय दिया है। विगत एक माह से डीवीसी अधिकारियों से समस्याओं के समाधान करने की मांग की जा रही है, लेकिन डीवीसी अधिकारी उदासीन है। परेशान होकर दुकानदारों ने विरोध किया तो उल्टे सीआईएसएफ जवानों ने लाठीचार्ज किया। वहीं सीआईएसएफ धनबाद यूनिट के डीआईजी विनय काजला ने कहा कि पहले प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया, जवाबी कार्रवाई करते हुए सीआईएसएफ जवानों को लाठीचार्ज करना पड़ा। इन नोटिस देने के बाद हम लोगों ने आज यहाँ पर गेट जाम किए थे और हम लोग साइड में उन लोगों के अधिकारियों के रिक्वेस्ट पे फिर साइड में जाके बैठे और फिर डीसी सीआईएसएफ आने के बाद फायर ब्रिगेड से लेकर तमाम लोगों को लाठी चार्ज करने का आदेश दिया और उसके बाद लोगों ने लाठियाँ बरसाई। जब आम जनता को चोटें आई तो फिर वो लोग रिएक्ट किया, उधर से भी फिर पत्थर सीआईएसएफ के द्वारा भीगा गया, सभी मोटरसाइकिल यहाँ पर तोड़ताड़ दिया गया। हमारे एक व्यक्ति आज हॉस्पिटल में भी दिया। तो शांतिपूर्ण वार्ता के लिए बकायदे 3 महीना से बोला जा रहा है, नोटिस दिया जा रहा है, फिर भी ये लोग वार्ता करने के लिए रेडी नहीं और ये लोग जबरन ये उकसा के झमेला करवाने के लिए लगे हुए। तो ऐसी कार्रवाई पर इमीडिएटली रोक लगनी चाहिए। ऐसे लोग जो यहाँ पर मारपीट की घटना करवाते हैं या लोगों को उकसाने का काम करते हैं, ऐसे लोगों पर भी हम समझते हैं कार्रवाई होनी चाहिए। लाठीचार्ज में कितने लोग घायल? हमारे 2 आदमी तो हॉस्पिटल में और बाकी कई एक आदमी भी घायल। अब इसके बाद आपकी तरफ से क्या किया जाए? नहीं, अभी तो ब्लॉकेट जारी है, जब तक इसकी समाधान नहीं होती है ब्लॉकेट जारी रहेगा। और भी ऐसी तरह तरह की न्यूज को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें, इससे हमारे आने वाली न्यूज की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले।